खेत में जब जब मैं काम करती हूँ तभी पुलिस आ जाती है सिकंदरा थाने की, माफिया मेरी जमीन को कब्जाना चाहते हैं। अब मुझे कोई सहारा नहीं मिला, अब मैं इसी नीम में अपनी समाधि लेके आत्महत्या करूंगी। आगरा जिले में एक महिला ने दबंग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई न होने पर अपने खेत में समाधि ले ली। पीड़ित महिला का कहना है कि जब तक भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक वह न तो जल ग्रहण करेगी और न ही अन्न। मामला बात तहसील अंतर्गत थाना सिकंदरा क्षेत्र के बाईपुरा गांव का है। बताया जा रहा है कि दबंग भू माफियाओं को तहसील के लेखपाल और कानूनगो का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने सार्वजनिक भूमि पर भी कब्जा कर रखा है, लेकिन राजस्व विभाग की मिली भगत होने के चलते कोई कार्रवाई नहीं होती। गुरुवार को पीड़ित महिला के खेत पर लेखपाल और कानूनगो ने जबरन भू माफियाओं का कब्जा करा दिया। पूर्व में भी महिला दबंग महिला के खेत की दीवार को तोड़ चुके हैं। पीड़ित महिला ने मरते दम तक समाधि से न निकलने की बात कही। उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को भी इसी में दफन कर देना। अब मुझे कोई सहारा नहीं मिला, अब मैं इसी नीम में अपनी समाधि लेके आत्महत्या करूंगी। अपने बच्चन सब बच्चे भी मेरे समाधि ले जाएंगे, अब मैं ले रही हूँ। महिला के खेत में समाधि लेने की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अमला पहुंचा। उन्होंने पीड़ित महिला प्रेमलता को खेत की पैमाइश करने का आश्वासन देकर बाहर निकाला। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।